जी पहले तो आप जी, पिछली बार हमने तमिल वर्णमाला के स्वरों को लिया था, अब हम तमिल वर्णमाला के व्यंजन को देखते हैं। भारतीय भाषाओं में एक स्पष्ट विभाजन है अक्षरों का स्वर और व्यंजन के रूप में। स्वर वे हैं जिनका हम उच्चारण स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं और व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों के बगैर नहीं कर सकते। यहां पर उत्तर भारत में व्यंजनों को सही प्रकार से कहीं पर भी नहीं बताया जाता। हिंदी में या हिंदी बेल्ट में जो व्यंजन बताए जाते हैं वे वास्तव में स्वरयुक्त व्यंजन होते हैं। बच्चे को शुद्ध व्यंजन की संकल्पना से कभी परिचित कराया नहीं जाता, परंतु दक्षिण भारतीय भाषाओं में इसका अपवाद है। वहां पर शुद्ध व्यंजन से ही पढ़ाई शुरू होती है। उदाहरण के लिए जैसे वास्तव में हिंदी में अगर हम देखें देवनागरी वर्णमाला में क क से कबूतर ये कहके वर्णमाला पढ़ाई जाती है, जबकि वास्तव में यह व्यंजन नहीं है। व्यंजन को हम बगैर स्वर के नहीं बोल सकते। वास्तव में इसमें दो ध्वनियां मिली हैं, ये जो शुद्ध व्यंजन ध्वनि है इसको हम अकेले नहीं बोल सकते, इसलिए हम इसके साथ अ मिलाते हैं, अब हम इसको बोल सकते हैं क। इसका शुद्ध उच्चारण हम तब करते हैं यदि ये कहीं अंत में आ जाए। जैसे हिंदी में हम अधिकतर शब्दों का उच्चारण स्वरांत न करके यदि वह अ समाप्त हो रहा है हम व्यंजनांत करते हैं, जैसे हिंदी में देवनागरी लिपि बहुत वैज्ञानिक है परंतु हम इसका प्रयोग नहीं करते। लिखते हैं हम बालक, मगर हम हमेशा इसका उच्चारण करते हैं बालक। अब यह अंत में जो हम उच्चारण करने में जिस ध्वनि को निकाल रहे हैं बालक, यह ध्वनि यह शुद्ध व्यंजन का रूप है। या जैसे हम लिखते हैं चक्कर, यहां पर ये मध्य में शुद्ध व्यंजन है। हिंदी में हम सीधे क ख र कहते हैं और इस तरह से शुद्ध व्यंजन से बच्चे परिचित नहीं हो पाते। दक्षिण भारतीय भाषाओं में सबसे पहले यही बताया जाता है और चूंकि इसको हम अकेले उच्चारित नहीं कर सकते, इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके आगे एक स्वर जोड़ देते हैं और इसको उच्चारित करने के लिए कहते हैं कि इक। इसके अंत में जो ध्वनि आ रही है वह इस व्यंजन की ध्वनि है। तो यहां पर भी हम उसी को लेंगे और सबसे पहले हम जो व्यंजन है उनको ले। वर्णमाला का पहला व्यंजन और इसके ऊपर हम एक बिंदी देते हैं पुरली जिसको कहते हैं, जैसे हिंदी में हल अनंत लगाते हैं ऐसे यहां पर इसका प्रयोग है। तो ये पहला व्यंजन है और इसका उच्चारण हम करिए इक, इक। दूसरी चीज, तमिल वर्णमाला में देवनागरी लिपि की भांति एक वर्ग में पांच अक्षर नहीं होते। हिंदी में क ख ग घ और उसके पश्चात अनुनासिक न होता है, तमिल वर्णमाला में इस इक के बाद जो अगला वर्ण होता है वह होता है इन, अर्थात बीच के तीन अक्षर इसमें नहीं पाए जाते।
यह तीन शेष ध्वनियों के लिए बीच की गर्ध्वनि है, जैसे उसके लिए हम इसी का प्रयोग करते हैं, वो आदिभाष है। अगला भाग इच, इच इस पुरली को यदि हम हटा दें तो ये च हो जाएगा। क से लेके पवन तक यहां पर पूरा हो जाता है। इसको एक बार दोहरा लेते हैं, इक एन इच इया इट एन इट एन इट एन
इर, तो यहां पर इर इर इल इव इनसे बन जाएंगे। तमिल में स वर्ग होता ही, अर्थात स श या श, इन तीनों के लिए अलग से कोई चिन्ह नहीं। आधुनिक संस्कृत में कुछ वर्ण बाद में इन ध्वनियों के लिए जुड़े हैं, उसको हम आगे बाद में। अब शेष जो चार यहां पर नई ध्वनियां आती, वे ध्वनियां उत्तर भारतीय भाषाओं में नहीं पाई जाती, उनका उच्चारण थोड़ा सा नया है और अलग है। इनमें से एक ध्वनि वो है जिसको ये हम देवनागरी में इस अक्षर का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, यहां र भी दो प्रकार के हैं, एक र को दिखाने के लिए हम इस र के नीचे बिंदी रख देते हैं, और न भी यहां पर दो हैं, एक ये न है जिसको तनगर न कहा जाता है, तवर्ग का न, और दूसरा कहलाता है गणनगर न, उसके लिए हम देवनागरी में न के नीचे बिंदी दिखाते हैं। इसी प्रकार से इस ल भी एक ध्वनि और होती है जिसके लिए हम इसके नीचे या ये बिंदी यहाँ पर दर्शाते हैं। ये हिंदी में उन ध्वनियों को दिखाने के लिए प्रयोग किया है। र, र इसकी ध्वनि निकालने के लिए वास्तव में यहां पर तमिल नहीं होता, वास्तव में यहां पर यही ध्वनि है तमिल र। इसके उच्चारण के लिए हम बाद में अलग से समय लेंगे, अभी हम इसको मात्र एक व्यंजन के रूप में। ल, ये र, ये ल, काफी कुछ हिंदी के ल से मिलती जुलती ध्वनि ये आ जाती है। यह भी न का एक दूसरा रूप है, यह हमेशा शब्द के अंत में आता है, इससे कभी भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। इसके विपरीत इस न से कभी भी शब्द का अंत नहीं होता, यह शब्द के प्रारंभ और बीच में आएगा। यह न कभी भी शब्द के
आरंभ में नहीं आता, ये न कभी शब्द के अंत में नहीं आता। तो इस तरह से ये कुल 18 कमल के व्यंजन हैं। अब अगले अभ्यास में हम इन शुद्ध व्यंजनों में स्वरों को जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें हम मात्राएं किस प्रकार से लगाते हैं।